हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द गेम प्रीव्यू। तो आज हम खेलने जा रहे हैं कार सिमुलेटर, और ये एक जापानीज़ गेम है आई थिंक। इसके पहले हम इसमें काफ़ी गाड़ियाँ ड्राइव कर चुके हैं गाइस, काफ़ी सुपर कार्स ड्राइव कर चुके हैं और काफ़ी हाइपर कार भी ड्राइव कर चुके हैं। इसमें एक फ्लाइंग कार भी हमने इसमें ड्राइव की थी, और अभी जो मैं कार ड्राइव करने जा रहा हूँ, गेस करो कौन सी। ये आपको स्टीयरिंग व्हील देख के पता चल ही रहा होगा कि 3B लिखा हुआ है, मतलब बुगाटी है आफ्टरऑल। और ये ऐसी वैसी बुगाटी नहीं है, ये इलेक्ट्रिक बुगाटी है जो कि अभी तक लॉन्च भी नहीं हुई है, मतलब ड्राइव में तो बहुत ही दूर की बात है। ये एक प्रोटोटाइप है इसका, लेकिन इसमें मैं ड्राइव कर सकता हूँ इसको। तो चलिए इसको ड्राइव करते हैं, और स्टार्ट कर ली थी मैंने। देखो मैं ये अभी इसमें रोड ड्राइविंग मोड में ड्राइव कर रहा हूँ, इसलिए इसमें हमें रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, क्योंकि ये गेम ही कुछ ऐसा है, इसमें रूल्स हमें फॉलो करने पड़ते हैं। तो फिलहाल मतलब जो भी मैं लेवल खेल रहा हूँ, इसमें रूल फॉलो करने पड़ते हैं। बाकी इंडिकेटर देखो गाइस क्या लग रहे हैं, एकदम F1 कार जैसा लुक है इसका पूरा हाइपर, और पीछे के टायर जो आपको दिख ही रहे होंगे पूरे ओपन है, मतलब फुल ओपन बॉडी जैसे कि F1 कारों की रहती है टायर्स। और यहाँ हम ज़्यादा स्पीड में जा सकते, तो मैं सोच रहा हूँ कि इसको हम सीधा खेलते हैं फ्री ड्राइविंग मोड में। तो क्या है कि हम अच्छे से खुल के इसको स्पीड भी इसकी एक्सप्लोर कर पाएंगे। और जैसे कि यहाँ पर हमने इतने रूल ब्रेक कर दिए कि हमारा गेम ही बंद हो गया। तो चलते फ्री ड्राइविंग मोड में, आ चुका हूँ गाइस में, और अभी मैं बैठ चुका हूँ और स्टार्ट करते गाड़ी। जैसे ब्रेक दबा के हम स्टार्ट करते, वैसे ब्रेक दबा के स्टार्ट किया इसको, इंडिकेटर भी देना पड़ता है, और देख सकते पीछे फ्लेम निकल रही थी। और इसके लाइट्स, हेडलाइट्स तो बहुत ही क्रेजी गाइस, एक्स लिखा हुआ, मतलब एक्स टाइप के इसके डायनामिक्स है। और ये पीछे का, ये बाकी फंक्शन चेक कर लेते हैं। वैसे इसका हम कलर भी चेंज कर सकते हैं, हमारे पास ऑप्शन है। ये डैमेज होंगी लेकिन इसमें कार, जैसे कि अब अगर आपने पहले की वीडियो देखे होंगे मेरे, तो आपको पता होगा कि हम इसमें जो भी कार ड्राइव करते हैं वो डैमेज होती है, और रिपेयर का भी ऑप्शन रहता है, लाइक टार्जन कार। ब्रेकर आया, काफ़ी कम ग्राउंड क्लियरेंस है इसकी। मैं हाई स्पीड में भी लेके देखूंगा ब्रेकर, लेकिन उसमें आई थिंक गाड़ी फेंका जाएंगी। और देखो इसमें विंग में लिखा हुआ है W164, पता नहीं इसका मतलब क्या है, लेकिन इसमें लिखा हुआ है आई थिंक मॉडल का नाम होगा। ये देखो, ये मैंने जरा सा बस लिया था और उसी में डैमेज हो गई गाइस, मतलब इतनी ज़्यादा इसमें सॉफ्ट बॉडी है कि ज़रा सा भी ब्रेकर बर्दाश्त नहीं कर पा रही हमारी कार, क्योंकि ग्राउंड क्लियरेंस बहुत ज़्यादा कम है। देखो मैं यहाँ से घुमा के लेता हूँ, फिर भी शायद डैमेज हो ही जाएंगी कहीं ना कहीं। अच्छा, इस साइड में डैमेज हो गई, ये देखो इस साइड का ये जो दिख रहा है आपको गेट, वो डैमेज हो चुका है। मैंने कहा था जितना ज़्यादा भी हम इसमें प्रिक्योर करें, लेकिन फिर भी कार डैमेज होने वाली है तो होंगी। तो प्लीज़ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो। हम इसमें ड्राइविंग मोड रियर व्हील ड्राइव में करते हैं और स्मोक करते हैं हाई, तो धुआं निकलने में मज़ा भी आएगा कुछ। और स्टीयरिंग व्हील की ठीक है सेटिंग, स्लीप मोड में कर लेते हैं, स्लीप होनी चाहिए कार। और मैंने फ्लाइंग डोर ओपन कर लिए हैं, कुछ ऐसे डोर है इसके, क्योंकि इस कार को अभी तक अंदर से मैंने भी नहीं देखा है। तो ये देखिए हमने फिर से डैमेज कर दी, आई थिंक आज हम इस कार को बहुत ज़्यादा डैमेज करने वाले हैं। ये देखो ये हर कहीं डैमेज कर रहा हूँ मैं कार को, रिपेयर का ऑप्शन है, रिपेयर तो कर लेते हैं। और देखो ये अंदर से कुछ ऐसे, यहाँ से कुछ विजिबिलिटी है। और ये देखो ये 150 की स्पीड में मैंने ब्रेकर को उतार दिया और एयर बैग्स भी ऑन हो चुके हैं। वैसे तो इसका कोई टेस्ट हुआ नहीं होगा एयर बैग के लिए, लेकिन यहाँ पे देखो स्पीड में कार ही उड़ गई है, मतलब ब्रेकर से। ओके, तो पलटी हो चुकी है। इसके पहले हम लैम्बोर्गिनी से चेस कर चुके थे ट्रेन को, मतलब बुलेट ट्रेन को, तो हरा दिया था हमने, मतलब प्रॉबेबली। और मैप में चेक कर लेते हैं हमारी लोकेशन कहाँ है, यहाँ है हमारी लोकेशन, हमें जाना कहाँ है, ट्रैक पे जाना है, और देखते कहीं हाईवे, स्ट्रेट हाईवे मिल पाए तो वहाँ पे चलते। आई थिंक मुझे नीचे नहीं जाना चाहिए, इधर साइड से निकलते हैं। यस, इंडिकेटर दे दो पहले, और इधर साइड से निकल ले। वैसे तो काफ़ी स्मूथ ड्राइव है इसमें, लेकिन इसका ग्राउंड क्लियरेंस इतना कम है ना कि बिल्कुल चलाने में थोड़ा
प्रॉब्लम सी हो जाती है, और जैसे ही अगर इसमें हम डी मोड लगा दें तो गाड़ी अपने आप ही टॉर्क है इतना है कि चलती रहती है बिना एक्सीलेटर के, आगे बढ़ती रहती है। इसलिए हमें ब्रेक, हैंड ब्रेक सब लगाना पड़ता है यहाँ पर, गाड़ी को रोक के रखना है, तो नहीं तो जाके डैमेज हो जाएंगी फिर से। ओके, तो लुक तो काफ़ी अच्छा दिख रहा है, सामने विंग्स बने हुए हैं जैसे कि वो मछली के नहीं रहते सांस लेने के लिए, उस टाइप के बने हुए हैं साइड में, ये टायर के साइड में देख सकते हैं आप, विंग्स टाइप के बने हुए एकदम। शार्क के जैसे रहते वैसे उस टाइप के बने हुए हैं, बाकी तो लुक भी काफ़ी हाई पर है। इसमें कुछ समझ में नहीं आएगा कि किस तरह का डायनामिक है इसका लुक है, अगर रियलिटी में देखेंगे कार को तभी पता चलेगा, और तब भी समझ में आ नहीं पाएंगे क्योंकि इतने सारे पार्ट्स लगे हुए हैं इसमें, कोई एज सच सिंगल बॉडी नहीं है। और ये देखो यहाँ हमने स्लिप कर दी क्योंकि हमने स्लिप मोड ऑन करके रखा हुआ है, ड्रिफ्ट तो मारी दी, और आई थिंक लाइट भी हमने डैमेज कर दिया था, तो रिपेयर हो चुका है। इंडिकेटर काफ़ी अच्छे ब्लिंक कर रहे हैं, इसके लिए ब्रेक लाइट भी वही है, इंडिकेटर भी वही है, और रिवर्स लाइट आई थिंक चेंज होगा, बाकी दो का काम तो वही कर रहा है। चार साइलेंसर लगे हुए इसके, हो सकता है इसमें W16 इंजन डला हो, एक्चुअल में आई थिंक ये इलेक्ट्रिक कार है जो कि अभी कॉन्सेप्ट है, मुझे इतना पता नहीं है इस कार के बारे में, इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है नहीं क्योंकि बहुत ही रेयर कार है और काफ़ी एक्सपेंसिव कार है, तो समझ सकते हो इसके बारे में उतनी ज़्यादा डिटेल काफ़ी पता है नहीं मुझे, लेकिन इस गेम में हमारी ये कार इलेक्ट्रिक नहीं है, इंजन वाली है, हो सकता है इसमें W16 लगा हो क्योंकि बुगाटी तो W16 ही बनाता है इंजन, तो इसलिए हो सकता है इसमें वही इंजन लगा हो, और टॉप स्पीड इसकी कुछ ज़्यादा ही लग रही है मुझे। देखें अब ब्रेकिंग फेल हो गई मेरी क्योंकि स्लिप मोड ऑन है। ओके, तो रिवर्स लेते हैं इसको और फिर चलाएंगे रिपेयर कर लेते हैं, सामने से रिपेयर होती थी, देखिए फिर से रिपेयर करना पड़ेगा, इतनी डैमेज करने वाले हैं उनमें इस कार को, आज पता नहीं बचती है कि नहीं बचती, पता नहीं, मज़ा बहुत आएगा इसको चलाने में। और ये देखो ये एक कार किसी ने चढ़ा के रखी हुई है गाइस डिवाइडर पे, फरारी है रेड कलर की, इसको रिपेयर कर लेता हूँ पहले, इतना रिपेयर की मज़ा नहीं आता गाड़ी को, गाड़ियों को चलाने में, मतलब अच्छी जब लुक ही नहीं दे रही है तो मतलब खटारा चला रहे, मतलब पता चलेगा नहीं कि बुगाटी चला रहे हो तुम, कोई भी कार हो सकती है। देखो यहाँ पे किसी ने रेड फरारी ला फरारी चढ़ा दी डिवाइडर पर, तो वहीं पे खड़ा कर दिया उसको, निकाला भी नहीं है, हल्की सी टच हुई और स्टेबल नहीं है, मतलब स्लीप मोड में को ऑफ करना ही पड़ेगा आई थिंक, क्योंकि जितनी ज़्यादा ये क्रेश हो रही है ना, अगर मैं इसको ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन भी रखूँ तब भी जाके क्रेश हो ही जाती है अपनी कहीं ना कहीं। बाकी स्पीड तो काफ़ी लग रही है मुझे इसकी, 300 क्रॉस करेंगी प्रॉपरली, इसमें मुझे स्पेस नहीं मिल पा रहा है मतलब इसकी स्पीड टेस्ट करने के लिए, करता हूँ नहीं तो हाईवे पे ये सुपर जा रहे हैं ना, वहाँ पे कर सकते हैं हाईवे पे, तो चलते हैं यहीं पे स्पीड टेस्ट करेंगे इसका। पहले इसका मैं प्रोटेक्शन कंट्रोल ऑन करना पड़ेगा, स्मोक देखो कितना निकल रहा है, ये ब्लैक धुआं जो निकल रहा है उस इंजन का निकल रहा है आई गेस, जितनी डैमेज हुई ना इस हिसाब से इंजन भी स्मोक करने लगा है। एयरबैग्स लो के बंद हो जाने चाहिए, तो एयरबैग्स ऑन ही है इसके अभी तक, ये देखो हमारा फेस तक दिख पा रहा है इतना ज़्यादा हो चुका है, और सामने से डैमेज तो देखो गाइस अलग ही लेवल की डैमेज की हमने कार, अब फिलहाल मैं इसको पूरी तरीके से डैमेज कर ही देता हूँ, जब चल रही है तो कार स्पीड का बता रहा है, स्पीड अभी नहीं बता रहा है, मोड ऑन रखा है अब बता रहा है, और इसमें मैंने पी डाल दिया रिवर्स, रिवर्स की स्पीड वैसे इसकी पता चल जाएंगे अभी, तो देखो गाइस रिवर्स में भी 130
आई थिंक ठीक है, हम स्पीड की चेक कर लेते हैं थोड़ी, क्योंकि 147-148 जाके थोड़ी सी अटक गई थी, मतलब उसके आगे फुल एक्सीलरेशन में नहीं जा पा रही थी, हो सकता है उससे भी आगे जाए, लेकिन इसकी हमें टॉप स्पीड भी चेक करना है, तो रिवर्स टॉप स्पीड तो हमने लगभग चेक कर ली। अब सामने टॉप स्पीड चेक कर लेते हैं, आगे मुझे ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन कर देना चाहिए, क्योंकि सामने की स्पीड चेक करने के लिए बहुत पावर है इसमें, क्योंकि और वो पावर कंट्रोलिंग के बाहर है थोड़ी। ओके, रिपेयर कर दिया मैंने ट्रैक्शन कंट्रोल, नॉन स्लिप, थोड़ा सा रहने देते स्लिप का, फोर व्हील ड्राइव कर देते हैं तो और अच्छा ट्रैक्शन लेंगी, अभी तक रियर व्हील ड्राइव थी, तो अब देखो अब क्या लुक आ रहा है इसका। अब इसकी हम करने जा रहे हैं टॉप स्पीड चेक, तो चलते हैं, लेट्स गो। मुझे लगा स्ट्रेट हाईवे, मैप देख के चलाते हैं, इसका मैप याद नहीं हुआ मुझे कि कभी कभार खेलता हूँ इस गेम को, तो मैप का थोड़ा प्रॉब्लम आ जाता है। और अभी हम एक नई सीरीज भी स्टार्ट करेगा इस, मतलब ट्रक ड्राइविंग सीरीज, उसका वीडियो मैंने अपलोड कर चुका हूँ एक, और भी अपकमिंग वीडियोज आने वाले यूरो ट्रकर 3 है, और इसकी टॉप स्पीड देखो 275 मीटर जाती है, लेकिन इसकी 300 क्रॉस कर रही है गाइस, 357 में देखो कहाँ फेंका मैं, अच्छा ट्रैक पे फेंक दिया गाइस वापस। अब आ चुके हम टॉप स्पीड में, वैसे यहाँ ट्रैक पे कभी भी स्पीड चेक नहीं हो सकती, क्योंकि ब्रेकिंग बहुत हार्ड है, ब्रेक नहीं मारा तो ऐसे सामने जाके लगने वाली, यहाँ से सिर्फ लैप टाइम पता चलता है, और यहाँ पे हम नॉन स्लिप कर देते हैं इसको, क्योंकि ट्रैक टेस्ट में तो बिल्कुल ही गाड़ी अनस्टेबल रहती है, बिल्कुल इसका ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि जितना भी कॉर्नर हम करेंगे हाई स्पीड में वहाँ पे स्लिप करने के चांस ज़्यादा रहते हैं, इसलिए फोर व्हील ड्राइव याद होता है ना, मतलब दिक्कत ना है, लेकिन पहले से मार रहा था तो जाते समझ में आएगा। यहाँ पे भी शार्प टर्न है और ये अच्छा था, ये टर्न अच्छा लिया हमने, यहाँ आई थिंक 200 के ऊपर तो जा ही नहीं सकते हम, 200 भी तब जाएंगे जब पूरा सिंगल स्पेस आएगा यहाँ चल, लेकिन देखो अनस्टेबल बहुत है, मतलब कंट्रोल के बाहर चल जाती है गाड़ी बहुत जल्दी, साइड में बहुत बढ़ा रहे हैं, पावर बहुत ज़्यादा है कार में, कार को ड्राइव करेगा तो अगर
इलेक्ट्रिक हुई तो वो नहीं कर सकता, वो स्पीड एंजॉय करेगा तब। अगर सिटी में फिर क्या करेगा? अच्छा, तब इंफोटेनमेंट तो होना चाहिए थोड़ा बहुत, लेकिन इन कारों में ऐसे आता नहीं है इंफोटेनमेंट, क्योंकि सुपर कार से तो उतना ज़्यादा इंफोटेनमेंट में फोकस नहीं रहता है। तो देखो, हमारा फ्यूल भी ख़त्म हो गया था गाइस, अब फ्यूल अप कर लेते हैं। तो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। साउंड टेस्ट कर लेते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।